भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक शासन करने वाले अपने काम को बेशक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आजादी के इतने सालों बाद अब जाकर कई गांवों में बिजली पहुंच रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गनौरी टाटा गांव में। यह गांव डोडा जिले में दूरदराज क्षेत्र में पड़ता है। गांव के लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से एलजी मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अपने गांव में बिजली नहीं होने की शिकायत की थी। उपराज्यपाल ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि महीने भर के अंदर गांव में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने 10 दिन के अंदर तेजी से कार्य करते हुए बिजली के खंभे स्थापित कर गांव में कनेक्शन पहुंचाया। 18 जनवरी 2021 को वह दिन आ गया जब गांव में बिजली का बल्ब जला और इस दौरान पूरे गांव के साथ खुशी में शामिल होने के लिए डोडा के DDC भी पहुंचे। सिर्फ 10 दिन के अंदर ये जितने भी 35-40 पोल खड़ा करने का काम हो, बिजली जो है वो तारे खींचने का काम हो और घर तक बिजली पहुंचाने का काम इन्होंने पूरा किया। आज सिर्फ आज़ादी के 70 साल के बाद ही नहीं, मैं कहूँगा मानवता के इतिहास में पहली बार इनको जो है वो आज बिजली मिली हुई है। पहली बार आई लाइट इधर जनाब, तो हमको इतनी खुशी हुई कि कहने की कोई बात नहीं है। बहुत खुशी हुई हमारी इस बात में। क्या क्या दिक्कतें आती थी पहले? हमें बहुत दिक्कत होती है इधर अंधेरा में, रात कोई लड़का अगर पढ़ता भी था, कोई बच्चा था, अंधेरा में मसाल बाल के वो फिर उधर पढ़ता है, हमको लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर अंदर बाहर जाना है, मकान में देखना है, कुछ देखना है, घर में तो हमको अंधेरा ही अंधेरा होता है। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे काम बहुत हुए हैं, आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आज तक हम बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तालीम नहीं थी, कुछ नहीं था दादा, आज हम अब तरक्की बिजली की वजह से, बाकी कामों की वजह से हम तरक्की पाएंगे। आइए अब आपको मिलवाते हैं श्रीनगर के मनोविज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर एम सलीम परवेज से। COVID-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे बचाव के तमाम उपायों से आम जन को अवगत कराते हुए डॉक्टर परवेज ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक में उल्लिखित विषयों पर प्रभा साक्षी ने डॉक्टर परवेज से विस्तृत बातचीत की। मैं सलीम परवेज हूँ, डॉक्टर सलीम परवेज। मैं 3 PGs मैंने किए हुए हैं, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, LLB और BEd भी किया हुआ है, और PhD भी किया हुआ है, MPhil भी किया हुआ है पैरासाइकोलॉजी में। तो मैं BEd कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज बजकही में पढ़ाता था, तो उसके मैं अब रिटायर भी हो चुका हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत से काम किए हैं और इस तरह बहुत से लेक्चर्स वगैरह दे दिए हैं, ये सिंपोजियम और ये डिबेट्स वगैरह में हिस्सा ले लिया है। जी, मैंने 15 किताबें लिखी हैं बहुत से ये टॉपिक्स पे, साइकोलॉजी, इस्लामियात, एजुकेशन वगैरह वगैरह। तो इस तरह आज की जो किताब में मेरे पास है, जो मैंने लिखी है, 4 महीने मैंने इसको कंप्लीट किया है। और फिर मैंने सोचा कि ये जो करोना वायरस प्रॉब्लम हो गई है दुनिया के अंदर, एक कैटास्ट्रॉफी, एक मुसीबत है, ये क्या है, तो इसके बारे में, क्योंकि मुझे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, इस वजह से मैंने इसको लिखा है और इसका ये फॉरवर्ड दे दिया है डॉक्टर मीर हमजा शहरयार ने, तो MBBS। तो इस वजह से मैंने कहा कि दुनिया तक ये पहचान, ये दुनिया को पहचान दे दूँ मैं, कि वाकफियत दे दूँ, अवेयर करूँ दुनिया को ये है क्या चीज़। तो इस वजह से मैंने इसका पहला अनुमान लिखा, पहला ये टॉपिक लिखा है, द नेचर ऑफ करोना वायरस। तो इस वजह से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोग मिथ बस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहाने से ये ख़त्म हो जाएगा, या ये सिर्फ साबुन से हाथ धोने से ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये इसमें प्रिकॉशंस बहुत सारी हैं जो मैंने WHO से ले ली हैं और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, सो दैट द पीपल विल बी अवेयर अबाउट व्हाट द नेचर ऑफ द करोना वायरस इज़। ये एक मैसेज मैंने लोगों तक दे दी है कि एक तरह से ये एक लेबॉरेटरी बन गई है, इस वजह से कि दुनिया में सारे हर मुल्क में लोग यानी कि साइंटिस्ट्स ये लेबॉरेटरीज में काम करने लगे इसके खिलाफ़। एक तरफ से ये एक
ज़बरदस्त जंग है, स्क्रिमेज अगेंस्ट कोविड-19, लोगों का जंग है, लोग रहना चाहते हैं इसके साथ साथ। अब इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वी हैव टू लिव विद इट। हम साथ साथ में काम भी करते रहेंगे लेकिन इसका इलाज भी करते रहेंगे, लेकिन इससे मोहतात भी रहेंगे हम। WHO के जो प्रिकॉशंस हैं और जो प्रोटोकॉल है उस पर चलने की कोशिश करेंगे हम, जिसकी वजह से इंसानियत भी बरकरार रहेगी। और ये कोरोना वायरस एक ज़बरदस्त वायरस है, ये SARS वायरस का एक रिलेटिव है, और ये बहुत एक चाइना से शुरू हो गया है, जिसको हम वुहान कहते हैं। वहाँ पर लोग अक्सर वहाँ पर ये वीड खाना खाते थे, जैसे सांप, जैसे बहुत सारे ऐसे पेंगोलियन वगैरह जिनमें ये हुआ करता था। मैं चूँकि मैं एक राइटर हूँ, एक पॉइंट भी हूँ, मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। एक पॉइंट है, व्हेन वंस ए पर्सन हैज़ अ नॉलेज ही वांट्स टू कन्वे दिस नॉलेज टू द पीपल। ये एक मैसेज होती है, पॉइंट की मैसेज होती है, शायर की मैसेज होती है, और ये ऑथर की मैसेज होती है, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। वो अपने लिए नहीं रहता है, वो लोगों के लिए ज़िंदा रहता है। वी हैव टू लिव एंड लेट लिव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड मैगजीम एज वेल। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं जानना चाहता था कि ये क्या चीज़ है। पहले मैंने उसको अंडरस्टैंड खुद किया, फिर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की बात कि लोग इससे डरने की कोशिश ना करें, और हम इसके साथ साथ रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। और मैं यही वजह है कि मैंने अपना कलम उठाया, अल्लाह के फजल करम से मैंने शुरू किया और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाई। दिस इज़ द फर्स्ट बुक इन इंडिया, इन कश्मीर, एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड, सो फार एज आई हैव सर्च्ड द होल नेट। क्योंकि एक बात है कि अक्सर लोग आजकल पढ़ते नहीं हैं, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ते हैं। वजह यही है कि आजकल टाइम जो है, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, लोग टाइम को सेव करना चाहते हैं, इंटरनेट के ज़रिए पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं इस तरह वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के मैंने इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स रखे हैं, जिसे एक्सट्रैक्ट्स कहिए या एसेज कहिए, उस तरह से मैंने लिखा, ताकि ये इंसान जो है, जो रीडर है, वो इस किताब को अच्छी तरह पढ़ सके और जल्दी जल्दी पढ़ सके, और वो बोर भी ना हो जाएं। और फिर दूसरा सेक्शन मैंने उसको पोइट्री का लिखा, ताकि उस पोइट्री में भी मैंने कोरोना के बारे में भी सारा कुछ लिखा है, तो मास्क के बारे में सब कुछ लिखा है मैंने, साइंस ऑफ सोफ वगैरह वगैरह, ताकि लोगों को ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरी वर्ल्ड में इस किताब की ज़रूरत है। बिकॉज इसमें मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें, एजुकेशन का टॉपिक ले लिया है, एजुकेशन किस तरह ख़त्म हो गई है, मैंने इसमें टॉपिक दे दिया है इकोनॉमिक्स का, दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया इन कश्मीर, बल्कि सारी दुनिया में इकोनॉमिक्स किस तरह ख़त्म हो गई है, और बिल्कुल ये तहस नहस हो गई है, उसको रिगेन करने के लिए लोग फिर उठेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर काम करेंगे। लोगों तक ये मैसेज है, आज 5 किस्म के ये वैक्सीन्स आए हैं दुनिया में, डिस्कवरीज ऑफ 5 वैक्सीन्स। हिंदुस्तान के अंदर कोवैक्सीन भी आया है, और कोविशील्ड भी आया है, और फाइज़र भी आया है, और मॉडर्ना भी आया है, और एस्ट्राजेनेटा भी आया है। तो इस वजह से ये लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, कोरोना वायरस के इस वैक्सीन से लोग मरेंगे नहीं, लेकिन लोग ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के लोगों को अटैक नहीं हो सकेगा, इन्फ्लुएंजा नहीं हो जाएगा, या इसका असर नहीं हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि कोरोना वायरस के इस इन वैक्सीन्स के बावजूद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ज़रूरी है, हमें ये कैस को कहते हैं आइसोलेशन में भी रहना कभी कभी ज़रूरी है, हमें मास्क भी पहनना ज़रूरी है, बिकॉज ये है, ये हमारा कल्चर बन गया है, हमें लोगों के साथ दूर दूर भी रहना है, और लोगों के साथ उस तरह भी घुलमिल नहीं जाना, हगिंग नहीं करनी है, ताकि हमें कंटेजियस डिजीज़ जो है फिर से मिल जाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मरना तो एक दफ़ा है, मौत का एक दिन मुइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, लेकिन हम कोरोना वायरस की मरना तो ज़रूरी है। अगर कोरोना वायरस का वो वैक्सीन भी करेंगे फिर भी मर सकते हैं, जो टाइम मुकर्रर है, बिकॉज खुदा ताला ने कुरान शरीफ में लिखा है, आई हैव अलॉटेड टाइम पीरियड फॉर ह्यूमन बीइंग इन दिस वेरी वर्ल्ड। तो बात यह है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन रहेगी, कंटेजियस डिजीज़ नहीं फैल सकती है, ये कंटेजन नहीं हो सकता है इंसान को,
ये हमारा ये मैसेज है कि आप वी हैव टू विल लिव विद हम, इसके साथ साथ रहना है और प्रोटेक्शन अपनी ज़रूरी है, सफाई रखनी है, हाथ अच्छी तरह धो लेने हैं और इसके बाद ये काम अच्छी तरह करना है, खाना पीना सब कुछ ठीक है, घर वालों के साथ भी ठीक तरीके से रहना है, रिश्तेदारों के साथ भी ठीक तरीके से रहना है, दुनिया के अंदर भी काम कुम करना ज़रूरी है।